को एक अलग मुकाम हासिल है। बीते एक दशक में लोहिया संस्थान एक ब्रांड के रूप में स्थापित हुआ है और अभी एक चिकित्सा विश्वविद्यालय बन चुका है। बदलते समय के साथ लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान मेडिकल फील्ड में एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट बन गया है, जहां कम खर्च पर बेहतरीन सरकारी इलाज और कैंसर का पूरा इलाज मिल रहा है। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हेल्थ सेक्टर में नए मुकाम हासिल कर रहा है। आज की तारीख में यह संस्थान कैंसर के लिए यूपी का सबसे बड़ा अस्पताल बन चुका है। कैंसर के इलाज के लिए यहाँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग है, जो प्रदेश में इकलौता है। यूपी में सिर्फ लोहिया संस्थान में ही कैंसर का पूरा इलाज है और इसके लिए अब दिल्ली और मुंबई की ओर नहीं देखना होगा। कैंसर के लिए हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजी में अकेला, प्रदेश में अकेला विभाग जो है इस समय लोहिया संस्थान में है, जिसमें डॉक्टर गौरव गुप्ता टाटा से ट्रेंड होकर वो हैं, डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में 3 लोग हैं हमारे, चिकित्सक हैं, अच्छी सर्जरी हो रही है। और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हमारे पास 3 लिनक मशीनें हैं, जबकि सभी संस्थानों में 1 या 2, इवन PGI में भी 2 ही लिनक हैं। ये अकेला संस्थान है जहाँ 3 मशीनों को लोड संभाल रहा है। कैंसर के इलाज के अलावा RML को किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, सीरियस ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भी जाना जाता है। ये सब कुछ बेहद कम समय में ही राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ने हासिल किया है। यहाँ बाजार से बेहद कम खर्च पर ही बेहतरीन इलाज मिलता है। 550 बेड वाले अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस संस्थान को आज देश के चुनिंदा अस्पतालों में गिना जाता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, सफर मुश्किलों से भरा था। एक सामान्य सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से शुरू हुआ सफर आज एक मेडिकल यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है। मुझे गर्व कहते हुए कि डॉक्टर रामन आयुर्विज्ञान संस्थान ने जिस तेजी से प्रगति की है और जिस तरह से मरीजों का विश्वास जीता है, ये एक वाकई काबिले तारीफ। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय ये छोटा सा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, आज की तिथि में ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का रूप ले चुका है। बीते 3 सालों में राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश में एक अलग मुकाम हासिल किया है। सबसे अहम बात कि इतने कम समय में ये उत्तर प्रदेश का वो स्वास्थ्य संस्थान बन चुका है, जिस पर यहाँ की जनता का पूरा भरोसा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ आने वाले मरीजों के लिए हर सुविधा को संस्थान में शामिल किया गया। पहले एक जनरल हॉस्पिटल, हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें 250 बेड चलते थे, आज वो फुल फंक्शनिंग है, 14 ऑपरेशन थिएटर के साथ, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर हार्ट सर्जरी, कैंसर सर्जरी, सभी सर्जरी हो रही हैं। 200 बेड का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हमारा शुरू हो चुका है, चल रहा है। जनरल हॉस्पिटल का, लोहिया कंबाइंड हॉस्पिटल का इसमें मर्जर हो चुका है। एकेडमिक ब्लॉक हमारा कंप्लीशन पे है। MBBS के कोर्स के 2 बैच आ चुके हैं 150 सीटों के लिए। ये हमारी प्रगति है। मौजूदा समय में लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में MBBS की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। MBBS की 150 सीटों वाले 2 बैच चल रहे हैं। हाल ही में लोहिया संस्थान और लोहिया संयुक्त चिकित्सालय का विलय हो चुका है और उसे विश्वविद्यालय बनाने का फैसला किया जा चुका है। उम्मीद है कि राम मनोहर लोहिया संस्थान आने वाले वक्त में भी नए मुकाम हासिल करता रहेगा और इसी तरह यूपी की जनता का भरोसा यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता रहेगा। अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। चलिए बढ़ते आगे।